तुलसी उपे, तुलसी में दीपक जलाते समय करें, ये छोटा सा काम मिलेगा धन की देवी का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में तुलसी का काफी महत्व है। कहा जाता है कि तुलसी पूजन के दौरान अगर ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो पूजा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो लगभग सभी घरों के आंगन में तुलसी का पौधा होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। शास्त्रों में भी इस पौधे का धार्मिक महत्व काफी बताया गया है। शास्त्रों की माने तो तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है। इसके अलावा तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी खुश होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। लेकिन तुलसी जी की पूजा के दौरान आपको कुछ चीजों को जरूर करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसा करने से पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है, साथ ही आपको काफी लाभ मिलेगा। जलाएं आटे का दीपक। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे के नीचे आटे से बना दीपक जलाएं। इसके बाद अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। शास्त्रों में इसे सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दीपक के नीचे रखें अक्षत। अक्षत को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर से दरिद्रता दूर भागती है, साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सुबह तुलसी के पौधे की पूजा करने के बाद उसमें जल जरूर चढ़ाएं। नियमित रूप से शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल न चढ़ाएं और न ही इस दिन इसकी पत्तियां तोड़े। मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आप इस पौधे के गमले पर इन चिन्हों को बना देंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है। आप तुलसी के गमले पर चक्र का निशान बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक संकट नहीं आएगा और आपको बरकत भी होगी। चक्र बनाने से लोगों के जीवन में संकट भी दूर होते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बनता है और मन को शांति मिलती है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आप तुलसी के पौधे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो इससे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करने से मां लक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह लोगों की जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और फिर पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह मंगल प्रतीक भी माना गया है। स्वास्तिक शब्द सु और अस्ति से मिलकर बना है। यहाँ सु का अर्थ शुभ होता है, वहीं अस्ति का अर्थ होना। इस तरह इसका मतलब होता है शुभ हो, कल्याण हो। शंख का करें उपाय। पूजा पाठ में शंख का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। जो लोग अपने घर में सुबह शाम शंख बजाते हैं।
उन्हें बहुत फायदा मिलता है क्योंकि इसकी ध्वनि से घर में नकारात्मकता दूर होती है। अगर आपके यहाँ तुलसी का गमला है तो आप उस पर शंख का चिन्ह बना सकते हैं। इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए आप आटे से एक दीपक बनाएं। इसके बाद शाम को उसमें घी और एक चुटकी हल्दी डालकर प्रज्वलित कर दें। फिर उस दीपक को तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक रखते समय आपका हाथ तुलसी को स्पर्श न हो। ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुलने लग जाएगी। तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना भी बहुत लाभ देता है। गुरुवार की सुबह स्नान करके तुलसी जी में जल डालें, साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी खूब प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसके बाद शाम को तुलसी कोट में दीपक जरूर लगाएं। वैसे तो तुलसी में रोज जल चढ़ाएं। इससे बहुत लाभ होता है, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए।